Join our Telegram channel for free winning teams, free giveaways, exciting offers and last moment updates. Telegram channel joining link is in description box. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों देखो, आईपीएल को स्टार्ट हुए ना लगभग एक हफ्ता हो गया है और इन 7 दिन में दोस्तों जो भी आईपीएल के मैच खेले गए ना उनके लगभग हर मैच में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। अपने चैनल के हर सब्सक्राइबर ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। हाँ, एक दो मैच ऐसे जरूर गए होंगे जिनमें जो है हमने प्रॉफिट नहीं निकाला, लेकिन फिर भी बाकी सब मैच में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया और ओवरऑल जो है अपने चैनल का हर एक सब्सक्राइबर जो है प्रॉफिट में है। और दोस्तों उस बात का जो प्रूफ है ना वो आपको अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख पा रहा होगा। ये जो स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हो ये वो विनिंग स्क्रीनशॉट है जो हर एक मैच के बाद मेरे को अपने जो चैनल के सब्सक्राइबर हैं वो अपने टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पर सेंड करते हैं और बोलते हैं कि भाई आज की आपकी टीम से मैंने इतनी जो है विनिंग की है, आज की आपकी टीम से मेरी रैंक ये आई है, आज के आपके वीडियो की हेल्प से मैंने ग्रैंड लीग में ऐसी रैंक लेके आया हूँ। और दोस्तों सही बताऊं तो यार ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है कि यार मेरी बनाई हुई टीम से मेरे बनाए हुए वीडियोस की हेल्प लेके आप लोग इतना अच्छा जो है परफॉर्म कर रहे हो और इतना खासा अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हो। दोस्तों देखो, अब मेरे पास हर मैच के बाद बहुत सारे स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम पर रिसीव होते हैं, लेकिन सारे के सारे स्क्रीनशॉट मैं इस वीडियो में नहीं डाल सकता, लेकिन कुछ सैंपल स्क्रीनशॉट जो है वो मैंने आपके लिए इस वीडियो में डाल दिए। अब यार ये स्क्रीनशॉट मैंने डाले क्यों है, इसका भी एक कारण है ताकि आप किसी फ्रॉड के चक्कर में नहीं पड़ो। ये मेन रीजन है ये स्क्रीनशॉट डालने का, क्योंकि देखो आप मानो चाहे नहीं मानो लेकिन जैसे ही आईपीएल आता है ना वैसे ही जो फ्रॉड्स होते हैं ना वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो है आपको फ्रॉड देखने को मिलते हैं और जो यूजर होते हैं ना वो जीतने के चक्कर में इन फ्रॉड्स के चक्कर में फंस जाते हैं। देखो देखो, एक तो सबसे बड़ा जो फ्रॉड मिलेगा ना आपको वो मिलेगा पेड वाला, ठीक है। पेड टीम्स देने के मामले में बहुत सारे लोग फ्रॉड करते हैं। ये क्या बोलते हैं कि भाई तू एक काम कर, मेरे को पूरे आईपीएल के सीजन के 3,000 रुपए दे दे या फिर 5,000 रुपए दे दे और मैं जो है तेरे को पूरे सीजन में टीम भेजूंगा और उस टीम से तेरी बहुत अच्छी खासी विनिंग होगी। तो यार देखो, आपको इस सिंपल फ्रॉड में तो बिल्कुल भी फंसना ही नहीं है, मतलब फ्रॉड्स में तो आपको जाना नहीं है। ये पेड टीम वाला तो मामला ही गलत है, मतलब आपको क्यों दे रहे हैं भाई किसी को पैसे? आपके पास ज्यादा पैसे थोड़े आ रहे हैं, किसी को टीम के लिए पैसे क्यों देने हैं? मतलब आपको जीतना ही है ना दोस्तों। तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है दो काम कर लो और आपकी जीत आसानी से हो जाएगी, आपकी जीत कंफर्म हो जाएगी, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। और वो दो काम क्या है, उसमें आपको किसी को कुछ भी पैसा नहीं देना। आपको सिंपल क्या करना है, पहली बात तो जो भी वीडियोज में डालू उनको आपको पूरा देखना है, क्योंकि वीडियोज में मैं पूरे मैच की कुंडली खोल के देता हूँ। जैसे कि आज वाला मैच है ये कोलकाता और पंजाब वाला, अगर इस मैच में भी आपको जीतना है तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको पूरा देख लेना है, क्योंकि इस वीडियो में देखो आगे आपको मैं पिच रिपोर्ट के बारे में बता दूंगा, वेन्यू के बारे में बता दूंगा, सारे प्लेयर्स के बारे में बता दूंगा, हेड टू हेड रिकॉर्ड बता दूंगा, प्लेयर बैटल बता दूंगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि आपको इस मैच में जीतने में काफी हेल्प करेंगे। पूरी कुंडली इस मैच की मैं खोल के रख दूंगा और साथ ही साथ मैं आपको कुछ टीम भी आपको इस आगे वीडियो में बना के दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आपको सिंपल है जीतना है तो वीडियो को पूरा देख लेना। और जो दोस्तों दूसरा काम है वो आपको क्या करना है कि आपको कोई भी अपडेट अपने चैनल की तरफ से मिस नहीं करनी है। और अपडेट मिस नहीं करने का सबसे अच्छा तरीका है आपको सबसे पहले तो अपने यूट्यूब चैनल को करना है सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि जितनी भी अपडेट मैं आपके लिए डालूं वो आप तक पहुंचती रहे। और दूसरा काम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की जो ज्वाइनिंग लिंक है फ्री वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर क्या होता है दोस्तों, अपनी जो फाइनल अपडेट होती है ना वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, फाइनल टीम होती है ना वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। जैसे मान लो लास्ट के 10 मिनट में मैच स्टार्ट होने से पहले मेरे पास कोई अपडेट आई, अब मैं यूट्यूब पे वीडियो तो बना के अपलोड नहीं कर सकता ना 10 मिनट में, तो फिर वो अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर देता हूं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके रख लेना, फाइनल टीम फाइनल अपडेट आपको वहीं पर प्रोवाइड करवाई जाएगी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों बात करते हैं, देखो यार हम सबसे पहले तो इस मैच के वेन्यू के बारे में, तो वेन्यू जो है वो रहेगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई का और जो मैच रहेगा वो 7:30 PM यानी कि इवनिंग वाला मैच है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आप यहीं पर नोटिस कर लो, मुंबई आ गया साथ में इवनिंग का मैच आ गया, इसका मतलब है कि मैच में ड्यू आ गई, ठीक है। ड्यू जो है जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे सेकंड इनिंग आएगी वैसे वैसे ड्यू जो है वो बढ़ती जाएगी और सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। पहली बात तो दोस्तों ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो यार जो वानखेड़े स्टेडियम है आपको पता है कि ज्यादा बड़ा ग्राउंड नहीं है ना, तो यहां पर सबसे पहली बात तो बैट्समैन को आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। जनरली यहां पर बैट्समैन को सपोर्ट देखने को मिल जाता है और यहां पर एक अच्छा खासा स्कोर भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन इस मैच में थोड़ा सा कम स्कोर मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, 170 के समथिंग। वानखेड़े के रेपुटेशन के हिसाब से ये जो स्कोर है 170 के समथिंग का वो कम है, लेकिन ये कम मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा, ठीक है। देखो मैं आपको अभी बता देता हूं वैसे कि यहां का जो पिच है ना वो रिसेंटली थोड़ा अजीब बिहेवियर कर रहा है। इस आईपीएल के सीजन में दो मैच इस पर्टिकुलर मैदान में ऑलरेडी खेले जा चुके हैं, ठीक है। जो ड्यू वाला मामला है वो तो सेम रहा है दोनों मैच में, सेकंड इनिंग में ड्यू आ जाती है, इसलिए जो चेस करने वाली टीम है ना वो दोनों मैच जीती है। ध्यान रखना जिस भी टीम ने चेस किया है उसी ने यहां पर मैच जीता है। चेस करने से मेरा मतलब है जिसने पहली इनिंग में बॉलिंग की है, सेकंड इनिंग में बैटिंग की है, और ये मैंने आपको यही बोला कि सेकंड इनिंग में बैटिंग करना आसान हो जाता है।
अब दोस्तों बात करते हैं कि ये 170 का स्कोर मैं आपको कम क्यों बता रहा हूँ। देखो बात कुछ ऐसी है कि यार ये जो दो मैच हुए ना, ये यहाँ पर थोड़े लो स्कोरिंग मैच हुए हैं। पहला जो मैच हुआ था इन दो में से, उसमें एवरेज स्कोर जो होता वो लगभग 130 रन के समथिंग का था, और जो दूसरा मैच था वो उसमें एवरेज स्कोर लगभग 160 के समथिंग का था। अब आप बोलोगे भाई वानखड़े की जैसी रेपुटेशन है उसमें इतना कम स्कोर क्यों बन रहा है? सिंपल एक ही रीजन है, दोनों मैच में एक चीज कॉमन हुई और उस चीज का नाम है अर्ली विकेट। ठीक है, अर्ली विकेट जो है दोनों ही मैच में खो दिए गए थे टीम ने, तो वो अर्ली विकेट की वजह से स्कोर जो है बड़ा नहीं हो पाया था। लेकिन उम्मीद है इस मैच में जो बैट्समैन है वो थोड़ा संभाल कर खेलेंगे। और अगर मान लो, सिंपल मैं आपको बोल रहा हूं, एक ही स्टेटमेंट दूंगा, अगर पावर प्ले के अंदर जो बैट्समैन है वो संभाल के खेल गए, ज्यादा विकेट नहीं गवाए, मैक्सिमम एक विकेट गवाया, तो फिर इस मैच में भी आपको स्कोर अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। और अच्छा खासा से मेरा मतलब है कि 170 से ऊपर का भी आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यार पिच और वेन्यू से तो आपको सिंपल इतना सा आइडिया लगवाना है कि यहाँ पर ड्यू आएगी, इसलिए जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करना चाहेगी। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर आपको देखने को मिल सकता है, और तीसरी बात यहाँ पर विकेट्स भी गिर सकते हैं अर्ली विकेट, क्योंकि पिछले दोनों मैच में गिरे हैं। ठीक है, तो ये तीन बातों का आपको ध्यान रखना है पिच और वेन्यू के बारे में। अब दोस्तों बाकी बातें हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो आपने यार हमारा इतना वीडियो देख लिया, मतलब डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और पसंद आ रहा हो तो यार पीछे मत रहना, फटाफट से वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो पर लाइक टारगेट आपके लिए मैं 5000 लाइक का कम कर दिया है लाइक टारगेट, तो 5000 लाइक्स का टारगेट आपको जरूर से कंप्लीट करना है। ठीक है, आप 10,000 का तो कंप्लीट कर नहीं रहे, लेकिन 5,000 का आई रियली होप कि कंप्लीट करो, क्योंकि आपका टाइम ही नहीं लगता और न ही कोई चार्ज लगता है वीडियो को लाइक करने में। और अगर यार आप लाइक नहीं कर सकते तो फिर तो मतलब क्या ही बताऊं यार, है ना। तो एक लाइक आपको करना है, सिर्फ एक सेकंड लगेगा, वीडियो को पॉज करने की जरूरत नहीं है। आई रियली होप कि आप करो 5,000 लाइक्स का लाइक टारगेट कंप्लीट। अच्छा दोस्तों बात करें यार अगर हम इन दोनों टीम्स के रीसेंट परफॉर्मेंस और हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं रीसेंट परफॉर्मेंस लेते हैं, और रीसेंट परफॉर्मेंस में हम ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, सिर्फ इस सीजन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो उठाते हैं केकेआर की टीम को। केकेआर की टीम ने दोस्तों इस सीजन में जो है टोटल दो मैच खेली है अभी तक, और दो मैच में से इन्होंने एक मैच जीता है और एक मैच हारी है, मतलब कि डिसेंट परफॉर्मेंस कर रही है, और ज्यादा खास नहीं, ज्यादा बेकार भी नहीं, है ना। और उसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं पंजाब किंग्स की टीम की रीसेंट परफॉर्मेंस के बारे में, तो पंजाब किंग्स की यार टीम जो है काफी अच्छी दिख रही है मेरे को इस बार। ठीक है, पंजाब किंग्स की टीम ने अभी तक इस सीजन में एक ही मैच खेला है, लेकिन वो मैच भी जीत लिया था, और एक हाई स्कोरिंग चेस था वो जिसको पंजाब किंग्स ने जीता था। तो ये बात ध्यान रखना, इनके पास पावर हीटर भरे पड़े हैं जो कि अच्छे से अच्छा स्कोर जो है किसी भी तरीके के पिच पर चेस कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं इन दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में, तो यार हेड टू हेड रिकॉर्ड्स देखो रिसेंट अगर मैं बात करूं पिछले कुछ सालों की, तो ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, रियल ओवरऑल वाला इंटरेस्टिंग आएगा। ठीक है, ध्यान देना, हेड टू हेड इस सीजन में तो हुआ नहीं है। 2021 वाले सीजन में जो है दो मैच इन दोनों टीम्स के बीच में जरूर खेले गए थे, और उन दो मैच में से एक एक मैच जो है दोनों टीम्स ने जीत लिया था, मतलब कि इक्वल परफॉर्मेंस थी। ठीक है, थोड़ा पीछे चलते हैं, 2020 की परफॉर्मेंस उठाते हैं, तो 2020 में भी इन दोनों टीम्स के बीच में दो मैच खेले गए थे, और दोनों मैच में से एक एक मैच वापस जीत लिया गया था। तो आपको लग रहा होगा कि भाई दोनों टीम क्या बराबर की परफॉर्मेंस करती है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर दोस्तों मैं उठा लूं अब इनका ओवरऑल रिकॉर्ड, ठीक है, ओवरऑल आईपीएल में इनके जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है, तो ओवरऑल इन दोनों टीम्स के बीच में अभी तक टोटल 29 मैच खेले जा चुके हैं आईपीएल में, जिनमें से 19 टाइम्स जो है कोलकाता नाइट राइडर्स जीती है, एंड 10 टाइम्स जो है पंजाब किंग्स जीती है, या फिर पहले जो किंग्स इलेवन पंजाब थी वो जीती है। ठीक है, तो ये कुछ सीन रहा है इन दोनों टीम्स का। यहां पर हावी जो है आपको दिख जाएगी एक तरफा कोलकाता नाइट राइडर्स, और इस मैच में अगर मैं जीतने की बात करूं तो इसका मतलब ये मत समझना कि कोलकाता नाइट राइडर्स जीत जाएगी। मेरे को क्या लगता है, पर्सनली बता रहा हूं, जो भी टीम टॉस जीतेगी वो ये वाला मैच भी जीतेगी, या फिर एक तरीके से दूसरे सेंटेंस में कहूं तो जो भी टीम चेस करेगी वो ये वाला मैच जीतने वाली है, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम ड्यू आ जाएगा सेकंड इनिंग में, इजी हो जाएगा जीतना। अच्छा दोस्तों मैं आपको जितने भी ये रिकॉर्ड बता रहा हूँ ना, उन सबका आप यूज कर सकते हो माई इलेवन सर्कल पर अपनी टीम बनाने के लिए। माई इलेवन सर्कल की दोस्तों जो डाउनलोड लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। उस लिंक से जब आप माई इलेवन सर्कल को दोस्तों डाउनलोड करोगे तो आपको मिलेगा 1500 रुपये तक का साइनअप बोनस, जो कि आपको और किसी भी एप्लीकेशन पर नहीं दिया जाएगा। ऑफकोर्स यार इतना हाई साइनअप बोनस और कौन देगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों जब आप वहाँ पर अपना फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करोगे, क्योंकि खेलने के लिए डिपॉजिट तो करोगे ना, तो जैसे ही आप डिपॉजिट करोगे आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा कैश की मैं बात कर रहा हूँ, ये बोनस नहीं है, ये एक्स्ट्रा कैश आपको डायरेक्ट अपने वॉलेट में दिया जाएगा, उसका आप यूज किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक काफी शानदार ऑफर है। साथ ही साथ दोस्तों आपको पता है वहां पर बीडी एक्सपर्ट वगैरह के कॉन्टेस्ट चलते हैं, तो उनका भी आप अच्छे से फायदा उठा सकते हो। दोस्तों माई इलेवन सर्कल की जो डाउनलोड लिंक है वो आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखी है। दोस्तों बात करें यार अगर हम टीम न्यूज के बारे में, तो यार ये जो टीम न्यूज है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। दोनों टीम्स की तरफ से अपने पास थोड़ी थोड़ी न्यूज आई है, उनके बारे में हम एक एक करके बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं केकेआर की टीम को उठाते हैं और देखते हैं कि भाई इस टीम का क्या सीन रहेगा और इस टीम में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अभी तक अपने पास न्यूज तो ये आई है कि सबसे पहले तो एक इनके जो मेन ऑलराउंडर है आंद्रे रसल, इनका जो लास्ट मैच हुआ था ना अभी कुछ दिन पहले, उस मैच में फील्डिंग करते टाइम इनके कंधे पर थोड़ी चोट लग गई थी, तो उसकी वजह से इनके जो कोच है उन्होंने बोला कि थोड़ा इनको आराम की जरूरत है। अब वो कितना आराम की जरूरत है वो उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया था, और हालांकि एक चीज जरूर बोली थी कि जो चोट है वो ज्यादा सीरियस नहीं है। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि इस मैच में वो खेलते हुए दिख भी सकते हैं, 50-50 चांस है। देखो आंद्रे रसल जैसा भारी शरीर वाला आदमी अगर थोड़ी सी लगती है तो मतलब काफी ज्यादा इंजर्ड हो भी सकते हैं, तो ये बात भी ध्यान में रखनी है। 50-50 चांस है अगर रसल खेलेंगे, अगर रसल नहीं खेलेंगे, ठीक है, अगर रसल नहीं खेलेंगे तो
तो फिर क्या चेंजेस हो सकते हैं टीम में, मैं आपको बता देता हूँ। अगर रसल नहीं खेलेंगे तो फिर टीम में या तो इनकी जगह आपको मोहम्मद नबी खेलते हुए देखेंगे, और या फिर इनके पास एक ऑप्शन और है चमिका करुणा रत्ने का, ठीक है, वो आपको खेलते हुए देख सकते हैं। मेरे को ज्यादा चांसेस जो है मोहम्मद नबी के लग रहे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स ज्यादा एक बेटर ऑप्शन ये प्रोवाइड करवाते हैं टीम को। और दोस्तों जो दूसरी बात मैं आपको बताने चाहूंगा केकेआर की टीम की तरफ से, ये एक्चुअली न्यूज नहीं है, ये एक तरीके से एनालिसिस कह सकते हो कि केकेआर की जो टीम है ना वो सुनील नारायण जो है ना उनको इस बार अच्छे से यूज कर सकती है। मतलब एक तो उनको पूरा कोटा इनका बॉलिंग का मिलेगा, साथ ही साथ बैटिंग अच्छी करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सुनील नारायण की परफॉर्मेंस जो है ना वो पंजाब के अगेंस्ट काफी सही है, पंजाब के अगेंस्ट काफी सही इनका जो रिकॉर्ड है ना वो रहा हुआ है। मैं आपको बता दूं इन्होंने अराउंड 31 विकेट ले लिए हैं पंजाब के, ओनली 21 मैच जो इन्होंने पंजाब के अगेंस्ट खेले हैं, तो ये एक काफी शानदार रिकॉर्ड है। साथ ही साथ इनका जो एवरेज रहता है बैटिंग का, सॉरी बॉलिंग का, वो ओनली 18 रन का रहता है, जो कि काफी शानदार है यार ये बॉलिंग का एवरेज है, ठीक है। तो ये वाला रिकॉर्ड देख के मेरे को लगता है कि सुनील नारायण इस बार बॉलिंग में कमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपको वही बात बोलूंगा कि अगर मामला आ जाता है सेकंड इनिंग का, क्योंकि अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग करने को मिला सुनील नारायण को, तो फिर जरूरी नहीं है कि ये कमाल करे, हो सकता है ये पिट भी सकते हैं, क्योंकि वही बात है वानखेड़े का स्टेडियम, सेकंड इनिंग ड्यू, और ड्यू आ गई मतलब कि बॉलर्स की शामत आ जाती है। अब दोस्तों बात करें अगर हम पंजाब किंग्स की टीम की यार, तो पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से भी कुछ न्यूज़ है। एक न्यूज़ तो कंफर्म है, उसमें आपको यह है कि पंजाब किंग्स की जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो आपको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग इस मैच में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक काफी शानदार बॉलर है कगिसो रबाडा, वो आपको इस मैच में पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से खेलते हुए दिख जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने देखो एक प्रैक्टिस सेशन में भी भाग गया था। अभी कंफर्म न्यूज टीम की तरफ से नहीं आई कि खेलते हुए दिखेंगे दिखेंगे, लेकिन मेरे को लगता है कि खेलते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिस सेशन में भाग लिया था, इन्होंने अपना जो क्वारंटाइन पीरियड है वो भी कंप्लीट कर लिया, तो फिर अब इन्हें पीछे रख के कोई मतलब नहीं है, पंजाब किंग्स इनका यूज करना चाहिए, और इस मैच में आपको कगिसो रबाडा खेलते हुए दिख सकते हैं। और दोस्तों पंजाब किंग्स की एक काफी शानदार प्लेयर है, ओपनर है एक तरीके से, जॉनी बेस्टो, ठीक है, जॉनी बेस्टो का क्या सीन है वो भी मैं आपको बता देता हूं। कुछ लोगों को लग रहा है कि इस मैच में आपको ये खेलते हुए दिखेंगे, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं खेलते हुए दिखेंगे, मैं बताऊं मेरे को पूरा पता है कि जॉनी बेस्टो जो है आपको इस मैच में खेलते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि अभी तक इन्होंने अपना क्वारंटाइन ही सर्व नहीं किया, ठीक है, अभी तक ठीक से इंडिया पहुंचे भी नहीं है, तो वही बात है कि इस मैच में आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे, अगले मैच से हो सकता है खेलते हुए दिखें, वो अगले मैच में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा दोस्तों यार वीडियो अपना इतना हो गया, और मेरे को अभी जस्ट रियलाइज हुआ कि यार मैंने आपको गिव अवे के बारे में तो बताया ही नहीं है। तो गिव अवे के बारे में वैसे तो आपको पता ही रहता है कि अपने हर वीडियो में जो है टोटल 2 गिव अवे आपको देखने को मिलते हैं हर वीडियो में, ठीक है, हर आईपीएल के वीडियो में, और ये जो दोनों गिव अवे इसमें आप आसानी से पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक गिव अवे तो वो लोग ऑलरेडी जीत के लेके जा भी चुके हैं जिन्होंने अपने इस वीडियो को सबसे पहले देखा, लाइक किया और कमेंट किया, ठीक है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया दोस्तों, इन्होंने अपने वीडियो को सबसे पहले देखा, लाइक किया और कमेंट किया और गिव अवे जीत के लेके चले गए, सिंपल है, ठीक है। और आपने मान लो कि आज वाला वीडियो मिस कर लिया हो, सबसे पहले नहीं आ पाए हो, तो कोई बात नहीं, अभी पूरा आईपीएल बाकी है, हर आईपीएल का वीडियो आएगा, उस वीडियो में आप जीत सकते हो ये गिव अवे। जीतने की एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, आपको अपने चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल कर लेना है, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं वैसे ही आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करते आप जो है वीडियो पर आ जाओगे, सबसे पहले देखो, लाइक करो, कमेंट करो और गिव अवे जीत के लेके जाओ, ठीक है, इतना सिंपल है। और जो दोस्तों दूसरा गिव अवे है उसमें आप अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है, उस दूसरे गिव अवे की डिटेल मैं आपको बता देता हूं, आपसे 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा इस वीडियो में, दोनों सवाल इसी मैच से रिलेटेड होंगे, और इन्हीं सवालों का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप जो कमेंट है वो एक ही करो उसी में सही जवाब आए, कोई जरूरी नहीं है, आप चाहे से 100 कमेंट करो, आप चाहे से 200 कमेंट करो, लेकिन अगर एक कमेंट में भी आपका जवाब जो है सही आ गया तो फिर आप गिव अवे के विनर बन जाओगे, ठीक है। बस 2 रूल आपको फॉलो करने हैं अपने गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए, सबसे पहला तो आपको हमारे चैनल का सब्सक्राइबर होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सब्सक्राइबर हो गया ना तभी जो है आपको पेटीएम, फोनपे या गूगल पे से अपने जो गिव अवे की प्राइस है वो सेंड की जाएगी, और दूसरा आपको हमारे इस वीडियो को लाइक करना जरूरी है, ठीक है। तो अगर किसी ने भी ये 2 काम नहीं किए हो, ये 2 काम आपको जरूर से कर लेना है, फिर गिव अवे की बात करते हैं, ठीक है। तो जो 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा, पहला सवाल तो मैं आपसे अभी पूछ रहा हूं, और जो दूसरा सवाल है वो आपको आगे वीडियो में कहीं पर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला सवाल एकदम इजी है, आपको बताना है कि इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहेगा, ठीक है, वो लास्ट में एक अनाउंस होता है ना मैन ऑफ द मैच, आपको बताना है कि उस प्लेयर का नाम क्या होगा, सिंपल है सवाल, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, और जो दूसरा सवाल है वो आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे देखो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल्स की, और यार इस वीडियो में ज्यादा प्लेयर बैटल नहीं है, लेकिन जो भी है ना वो काफी इंटरेस्टिंग प्लेयर बैटल है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं ये इंटरेस्टिंग और ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि इन प्लेयर बैटल्स में कुछ प्लेयर्स कॉमन इंक्लूड होते हैं, उनके बारे में आपको डिटेल में दूंगा। सबसे पहले मैं आपको अपनी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 दिखा देता हूं, तो यार वो आपको अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख पा रही होगी, ठीक है। मेरे को लगता है कि ये जो 22 प्लेयर्स हैं ये आपको आज के इस मैच में खेलते हुए दिख सकते हैं, इनमें हो सकता है 1 या 2 प्लेयर का चेंज हो, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 प्लेयर का होगा, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। एक तो रसल की जगह कोई और आ सकता है, बाकी 1 आधे और का हो सकता है तो हो सकता है, ठीक है। तो ये जो भी होगा, जो भी अपडेट होगा, वो मैं अपने फाइनल टीम के साथ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन कर लेना, ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। टेलीग्राम चैनल की ज्वाइनिंग लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों देखो हम कुछ प्लेयर बैटल्स की, और प्लेयर बैटल्स देखो मैंने आपको बताया काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा सही भी है इस मैच में।
सबसे पहला जो दोस्तों प्लेयर बैटल है वो इंक्लूड करता है रसल को, ठीक है। अब रसल अगर खेलेंगे, क्योंकि देखो मैंने प्लेइंग 11 में तो इंक्लूड कर दिया है, लेकिन अगर चोट गहरी होगी तो ऑफकोर्स नहीं खेल पाएंगे, लेकिन फिर भी एक बार के लिए मैं आपको जस्ट टू बी सेफ साइड बता देता हूँ, ठीक है। रसल को दो बॉलर्स के अगेंस्ट में आपको बताऊंगा, एक तो है कगिसो रबाडा जिनके ऊपर रसल हावी होते हैं, और एक है ओडियन स्मिथ जिन्होंने पिछले मैच में काफी घटिया बॉलिंग की थी लेकिन ये रसल के ऊपर हावी होते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं सबसे पहले कगिसो रबाडा की। तो यार कगिसो रबाडा की रसल ने टोटल T20 में 27 बॉल खेली है, ठीक है, ज्यादा नहीं खेली है, लेकिन फिर भी 27 बॉल में इन्होंने 60 रन रबाडा के मार दिए, यानी कि 200 प्लस की स्ट्राइक रेट आ गई है। और यहां पर मतलब कि रसल बहुत गंदा मारते हैं रबाडा को, और विकेट भी अपना मात्र एक बार दिया है, जो कि मायने नहीं रखता यार। मायने क्यों नहीं रखता, क्योंकि जब कोई भी बैट्समैन यार 200 की प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करेगा तो ऑफकोर्स वो कहीं ना कहीं गलती करेगा और एक आधा विकेट तो चलता है, ठीक है। तो रबाडा के ऊपर रसल हावी है, और ओडियन स्मिथ की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने रसल को कैसे परेशान किया है वो ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि मैं आपको बता दूं, ओडियन स्मिथ ने पिछले मैच में काफी खराब बॉलिंग की थी, लाइन काफी ज्यादा मिस हुई थी, लेकिन इस मैच में थोड़ी अच्छी करने की उम्मीद है, ठीक है। ओडियन स्मिथ ने रसल को टोटल 13 बॉल खिलाई है, जिसमें रसल ने सिर्फ और सिर्फ, देखो पावर हिटर है, लेकिन फिर भी ओनली 8 रन बनाए हैं ओडियन स्मिथ के सामने 13 बॉल में 8 रन, यानी कि काफी स्लो खेलते हैं, और साथ साथ आपको बताऊं एक बार नहीं बल्कि दो बार इनको आउट कर चुके हैं ओडियन स्मिथ। तो ध्यान रखना, रसल जब बैटिंग करने आएंगे तो आरसीबी तो क्या करती है, हर्षल पटेल को ले आती है बॉलिंग के लिए, क्योंकि वो उनको रोक सकते हैं, और जो पंजाब है वो ओडियन स्मिथ को लेके आएगी इनको रोकने के लिए। दोस्तों जो नेक्स्ट प्लेयर बैटल है वो एक काफी इंपॉर्टेंट बैट्समैन, एक ओपनर बैट्समैन को इंक्लूड करता है, जिसका नाम है धवन, ठीक है। अब धवन को कौन कौन से बॉलर परेशान करते हैं, देखो यार ये प्लेयर बैटल आप ध्यान से देखना, क्योंकि धवन को जो है ना सब लोग अपनी टीम में रखेंगे, बहुत सारे लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बनाएंगे, इवन मैं भी अपनी टीम में रखूंगा कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो हो सकता है मैं बनाऊं नहीं बनाऊं, उसके बारे में आपको आगे वीडियो में डेमो टीम बनाते टाइम बता दूंगा, लेकिन धवन को मैं भी अपनी स्मॉल लीग की टीम में रखूंगा, लेकिन वही बात है कि ग्रैंड लीग की कुछ टीम से मैं धवन को ड्रॉप करूंगा। रीजन आपको अभी मैं बताऊंगा, तीन बॉलर, ठीक है, धवन को एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन बॉलर आपको परेशान करते हुए दिख जाएंगे। सबसे ऊपर नाम आ जाता है नरेन का, उसके बाद नाम आ जाता है टीम साउदी का जो कि काफी अच्छी बॉलिंग की थी पिछले मैच में, और उसके बाद नाम आ जाता है वरुण चक्रवर्ती का जो कि एक काफी अच्छे स्पिनर है, आईपीएल में काफी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है। सुनील नारायण की अगर मैं बात करूं तो यार धवन ने जो है सुनील नारायण की टोटल 76 बॉल का सामना किया है T20 क्रिकेट में, 76 बॉल खेलते हुए धवन ने सुनील नारायण के अगेंस्ट अराउंड 85 रन बनाए हैं, जो कि एक स्लो पारी है देखा जाए तो, ठीक है। और साथ ही साथ अपना जो विकेट है वो दो बार नारायण को गवा चुके हैं, तो एक तरीके से नारायण धवन को यहां पर परेशान करते हुए आपको दिख जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं करूं साउदी की, तो साउदी की इन्होंने टोटल 38 बॉल खेली है जिसमें इन्होंने बनाए हैं ओनली 37 रन, तो यहां पर साउथी तो जो है धवन को और ज्यादा परेशान करते हैं, नरेन से भी ज्यादा परेशान करते हैं, और विकेट जो है इन्होंने भी दो बार लिया है धवन का, तो ध्यान रखें साउथी से धवन को कुछ ज्यादा ही खतरा है। साउथी पावर प्ले में बॉलिंग भी करेंगे, धवन पावर प्ले में बैटिंग भी करेंगे, तो हो सकता है धवन की बाजी ज्यादा नहीं चले, ठीक है। उसके बाद अगर मैं वरुण चक्रवर्ती का बताऊं तो यार वरुण चक्रवर्ती और धवन का कुछ ऐसा सीन चलता है कि 27 बॉल वरुण चक्रवर्ती की खेली है धवन ने, जिसमें इन्होंने बनाए हैं 28 रन, जो कि ज्यादा नहीं है, साथ ही साथ अपना विकेट दो बार वरुण चक्रवर्ती को भी गवा चुके हैं, ठीक है। तो एक नहीं दो नहीं तीन तीन बॉलर्स के जब सामने धवन आएंगे तो कोई एक ना एक तो इनको परेशान कर ही सकता है, अच्छे से ध्यान रखना। दोस्तों अपना जो नेक्स्ट प्लेयर बैटल है वो एक बार वापस एक काफी इंपॉर्टेंट बैट्समैन को इंक्लूड करता है, जिनका नाम है मयंक अग्रवाल, ठीक है। अब मयंक अग्रवाल को कौन कौन से बॉलर्स का सामना करना पड़ेगा और कहां कहां इनको दिक्कत आएगी उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इनके सामने भी तीन बॉलर मैं रखूंगा, ठीक है। तीनों के सामने इनकी परफॉर्मेंस क्या रहती है, सबसे पहले तो आंद्रे रसल, जो कि हो सकता है इस मैच में खेले, हो सकता है नहीं खेले, और अगर खेल भी लेते हैं तो हो सकता है बॉलिंग नहीं करें, क्योंकि कंधे में चोट है भाई थोड़ी सी, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं, क्या पता कि अपने को लास्ट में पता चले कि भाई रसल अपने जो है 4 ओवर करने वाले हैं, तो मैं आपको वापस यूट्यूब पे आके तो बताऊंगा नहीं, वो टेलीग्राम चैनल पर मैं आपके लिए अपडेट करूंगा, ठीक है। ध्यान रखना टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना मस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा जरूरी है, तो टेलीग्राम आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना है, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहीं पर आपके साथ फाइनल टीम फाइनल अपडेट्स शेयर किए जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों रसल की अगर मैं बात करूं तो मयंक अग्रवाल ने रसल की टोटल 23 बॉल्स का सामना किया है T20 में, ठीक है। 23 बॉल में इन्होंने बनाए हैं ओनली 22 रन, यानी कि 100 से नीचे की स्ट्राइक रेट, और 100 से नीचे की स्ट्राइक रेट अगर कोई भी बैट्समैन T20 में खेलता है मतलब कि वो बंदा स्ट्रगल कर रहा है। साथ ही साथ दोस्तों रसल को मयंक अग्रवाल दो बार अपना विकेट गवा चुके हैं इन्हीं 23 बॉल में, है ना, तो रसल इनको थोड़ा सा परेशान करते हैं। उसके बाद जो दूसरे प्लेयर हैं उनका नाम है वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने धवन को भी परेशान किया था, जो मयंक को भी परेशान करते हैं, ठीक है। वरुण चक्रवर्ती की मयंक अग्रवाल ने टोटल 19 बॉल खेली है, जिसमें इन्होंने बनाए हैं ओनली 50 रन, यानी कि 100 से भी नीचे की स्ट्राइक रेट आ गई है, और 100 से नीचे की स्ट्राइक रेट के साथ साथ इन्होंने एक बार अपना विकेट वरुण चक्रवर्ती को भी गवाया है, ठीक है, तो एक ये हो गया। और जो तीसरा है दोस्तों उनका नाम है सुनील नारायण, इन्होंने धवन को भी परेशान किया, इन्होंने इनको भी परेशान किया। देखो नारायण ने इनको कितना परेशान किया वो भी मैं आपको बता देता हूं, 27 बॉल जो नारायण की खेली मयंक अग्रवाल में इन्होंने 38 रन बनाए, जो कि डिसेंट पारी है, इस बार मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि स्लो खेल रहे हैं, डिसेंट खेल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अपना जो विकेट है वो दो बार नरेन को भी ये गवा चुके हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना ये तीनों में से कोई ना कोई बॉलर इनका भी विकेट निकाल सकता है।
तो दोस्तों यार ये हो गई अपने सारे प्लेयर बैटल्स की बात, ठीक है। एक दो प्लेयर बैटल और हैं लेकिन उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। फिलहाल के लिए मैं आपको अपने सारे जो प्लेइंग 11 है उनके सारे रिकॉर्ड, दोस्तों बात करें यार अगर हम अपने सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड के बारे में, तो जो कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर्स हैं वो आपको अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख पा रहे होंगे, ठीक है। इनको मैंने इनके बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करने की कोशिश की है, बाकी जो बचे हुए प्लेयर हैं वो आपको अपनी अलग जो है स्क्रीन के ऊपर दिख जाएंगे, उसकी चिंता मत करो, 2 मिनट वेट करो। पहले हम इन सभी प्लेयर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार अपने पास ऑप्शन आ जाता है वेंकटेश अय्यर का, उसके बाद ऑप्शन आ जाता है अजिंक्य रहाणे का, ये दोनों के दोनों जो है आपको ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे। अब यार वेंकटेश अय्यर के एक तरीके से पहले तो ये देखो, ये जो आपको 3 लाइन दिख रही है ना स्टार्टिंग की, ये वो रिकॉर्ड है जो आईपीएल 2022 में घुसने से पहले इन लोगों के थे आईपीएल के अंदर, ठीक है। यानी कि आईपीएल 2021 तक इन सबकी जो आईपीएल में परफॉर्मेंस थी वो है, और उसके बाद जो नीचे है ना वो इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस है आईपीएल 2022 की, ठीक है। खैर वेंकटेश अय्यर ने 2022 में घुसने से पहले टोटल 10 मैच आईपीएल के खेल चुके थे, 370 रन थे, 38.60 का बैटिंग एवरेज था। और रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो यार इनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं आ रही है, सीरियसली इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है। पहले मैच में 16 रन बनाए, उसके बाद 10 रन बनाए, अब पता नहीं इस बंदे की फॉर्म ही ऐसी चल रही है या फिर इनका बैट लगा है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि यह बंदा टैलेंटेड है, ठीक है, ये बात मैं आपको जरूर बोलूंगा, बंदा टैलेंटेड है, यह बंदा आज नहीं तो कल लेकिन फॉर्म में जरूर आएगा, ठीक। तो वेंकटेश अय्यर हो गए, हम इनको अपनी स्मॉल की टीम में ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा अगर रिस्क लेना चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन सेफ टीम में हम ट्राई करेंगे, ठीक है। अजिंक्य रहाणे की अगर मैं बात करूँ, एक्सपीरियंस तो अनशंट है, आईपीएल में 151 मैच ऑलरेडी खेल चुके थे, 3900 प्लस रन था, 31 प्लस का बैटिंग एवरेज था, और आईपीएल 2022 में भी जो 2 मैच खेले हैं, एक मैच में 44 रनों की शानदार पारी अपनी टीम के लिए खेली, दूसरे मैच में बड़ी पारी नहीं खेल पाए, ठीक है। उसके बाद श्रेयस अय्यर की अगर मैं बात करूँ, कप्तान है, 87 मैच खेल चुके थे, 2300 से ऊपर के रन थे, 31.93 यानी कि लगभग 32 का बैटिंग एवरेज था। और यार अभी अगर मैं बात करूँ तो आईपीएल में रिसेंटली इन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं किया, 20 और 13, ये 2 परफॉर्मेंस जो है इनकी 2 मैच में आई है। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, श्रेयस अय्यर एक काफी ज्यादा टैलेंटेड बैट्समैन है, इनको इन्होंने जो अभी रिसेंटली सीरीज हुई थी ना इंडिया की वेस्ट इंडीज श्रीलंका इनके अगेंस्ट, तो इनमें भी इनकी परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छी आई थी, ये बात आप जाके चेक भी कर सकते हो, इसलिए बोल रहा हूँ श्रेयस अय्यर भी कभी भी अपने जो फॉर्म है उसको किक स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपने पास ऑप्शन आ जाता है नीतीश राणा का, ये बंदा जब तक ओपनर था तब तक परफॉर्मेंस अच्छी करता था, अब नंबर 4 पर इन्हें दे दिया गया तो जो इनकी परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी डाउन हो गई है, ठीक है। आईपीएल 2021 तक इनके 77 मैच कंप्लीट हो चुके थे, 1800 प्लस रन थे, 28 प्लस समथिंग इनका बैटिंग एवरेज था, और रिसेंटली इनकी भी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी डाउन ही आ रही है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों सैम बिलिंग्स की अगर मैं बात करूँ, 22 मैच, 334 रन, 17.95 का बैटिंग एवरेज ये आईपीएल 2021 तक, और फिर 2022 में इन्होंने पहले मैच में 25 और दूसरे मैच में 14 रनों की पारी खेली। तो ये तो सैम्बलिंग्स का मैं कुछ आपको एक चीज जरूर बोलूंगा कि हो सकता है मैं अपनी स्मॉली की टीम में सैम्बलिंग्स को ट्राई नहीं करूं, ठीक है। हो सकता है मैं नीतीश राणा को भी अपनी स्मॉली की टीम में ट्राई नहीं करूं, लेकिन ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो मिडल ऑर्डर में आके केकेआर की टीम को संभाल सकते हैं, अच्छी पारी आपको खेल के दे सकते हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ग्रैंड लीग की कुछ टीम्स में आप इन्हें अपनी टीम में जरूर ट्राई करो। आगे दोस्तों अपने पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है शेल्डन जैक्सन का, जो कि एक विकेट कीपर है, ठीक है। इन्होंने जो है टोटल 4 मैच आईपीएल 2021 तक खेले थे, टोटल 38 रन बना चुके थे, 20 प्लस का बैटिंग एवरेज, लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस जो है वो इनकी काफी खराब आई है। पहले मैच में मात्र 3 रन थे, हालांकि उनको ज्यादा बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन दूसरे मैच में मिला भाई बैटिंग करने का मौका मिला, लेकिन फिर भी मात्र 0 रन यानी कि रन बना ही नहीं पाए थे। शेल्डन जैक्सन दोस्तों आपको विकेट के पीछे खड़े होकर विकेट कीपिंग करते टाइम थोड़े से पॉइंट दे सकते हैं, बाकी बैटिंग से ज्यादा उम्मीद मत रखना क्योंकि पंजाब की जो बॉलिंग है वो काफी शानदार है, ठीक है। उसके बाद रसल की अगर मैं बात करूँ, अगर ये बंदा खेलता है तो डेफिनेटली मैं अपनी टीम में ट्राई करूंगा, क्योंकि अगर खेलेगा इसका मतलब है कि बैटिंग तो आनी ही आनी है, बॉलिंग में भी अगर मान लो 4 ओवर नहीं फेंके तो 2-3 ओवर तो फेंकेगा ही फेंकेगा, और 2-3 ओवर में एक आधा विकेट भी ले गया तो फिर अपना काम तो इसने कर दिया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर खेलेंगे तो अपनी टीम में रहेंगे। 84 मैच आईपीएल 2021 तक खेल चुके थे, ये सारे रिकॉर्ड आप देख लो, और इनकी अगर रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो पहले मैच में 1 विकेट लिया था, बैटिंग नहीं की थी, और सेकंड मैच में बैटिंग की तो 25 रन बनाए और बॉलिंग के साथ हालांकि विकेट नहीं मिला, ठीक है। नरेन की अगर मैं बात करूं तो 134 मैच खेल चुके थे, ये सारे रिकॉर्ड आप देख लो। एक बात मैं आपको जरूर बोलूंगा, नरेन का जो बैटिंग ऑर्डर है वो फिक्स नहीं है, हो सकता है इनको डाउन दी ऑर्डर नंबर 7-8 पर बैटिंग करने भेजा जाए, हो सकता है इन्हें अप दी ऑर्डर नंबर 4-5 पर बैटिंग करने भेजा जाए, ठीक है। तो इनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो अभी फिक्स नहीं है, वो इंस्टेंट डिसाइड होता है जब जब विकेट गिरते हैं, तो उस हिसाब से नरेन का बैटिंग ऑर्डर डिसाइड होता है, ठीक है। हालांकि बॉलिंग जो है इनके पूरे 4 ओवर होने वाले हैं तो उसकी चिंता मत करो, पिछले मैच में बॉलिंग के साथ इन्होंने 1 विकेट भी लिया था। उसके बाद उमेश यादव की अगर मैं बात करूं तो यार इन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस किया है इस आईपीएल के सीजन में, ठीक है। उससे पहले अगर देखोगे तो 121 मैच खेल चुके थे, 119 विकेट ले चुके थे, 8.48 की इकोनॉमी रेट भी काफी हाई थी, लेकिन इस आईपीएल में जो 2 मैच खेले हैं ऑलरेडी 4 विकेट ले चुके हैं, और मजे की बात यह है कि इकोनॉमी कर रहे हैं, इतनी हाई इकोनॉमी रेट इनकी नहीं गई है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ टीम साउदी की, तो टीम साउदी को यार पिछले मैच में खेलने का मौका मिला और भाई क्या ही इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की अपनी टीम के लिए, ठीक है। 43 मैच पहले भी खेल चुके थे लेकिन उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, फिर पिछले मैच में खेलने का मौका मिला तो 3 विकेट अपनी टीम के नाम किए जो कि काफी शानदार थे, ठीक है। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती हर मैच में विकेट ले ही
हैं, पिछले दो मैच में भी दो विकेट अपनी टीम के नाम किए हैं, इकोनॉमिकल ये बंदा भी रहता है और रिसेंट परफॉर्मेंस आप देखोगे आईपीएल में 31 मैच खेल चुके थे, 36 विकेट ले चुके थे, 6.78 की इकोनॉमी वो भी काफी शानदार थी। ठीक है, तो दोस्तों बात हो गई है कोलकाता की, बात करेंगे हम दोस्तों पंजाब के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं अपने गिव अवे का दूसरा और आखिरी सवाल। तो दोस्तों यार अपने गिव अवे का जो दूसरा और आखिरी सवाल है उसमें आपको बताना है कि यार इस मैच में जो दो अय्यर खेल रहे हैं ना, वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर, इन दोनों का स्कोर क्या रहने वाला है। ठीक है, ये आपको सिंपल जो है जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में, दोनों सवाल आपके हो गए हैं। ठीक है, पहला सवाल प्लेयर ऑफ द मैच बता देना और दूसरे सवाल में आपको वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर इन दोनों का स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना है। कुछ भी गेस कर लेना यार, आपको तुक्के लगाने की इजाजत तो मैंने दे ही रखी है। ठीक है, आप कुछ भी गेस कर लेना, जैसे मान लो वेंकटेश अय्यर का आपने गेस कर लिया 40 रन और श्रेयस अय्यर का गेस कर लिया मान लो कि 25 रन, कुछ भी गेस कर लेना, अलग अलग आप कमेंट कर सकते हो, चाहे कितने भी कमेंट करो उसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप आराम से इन दोनों सवालों का जवाब दे सकते हो। बस जो अपने गिव अवे के रूल्स हैं उनको आपको जरूर फॉलो करना है, पहला सब्सक्राइब और दूसरा लाइक। बात करें दोस्तों अगर हम अब पंजाब की टीम के बारे में, तो यार पंजाब की टीम में अपने पास एक तो आ जाता है शिखर धवन का ऑप्शन और दूसरा आ जाता है मयंक अग्रवाल का ऑप्शन। अब एक चीज आप ध्यान दोगे, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपने अभी नोटिस कर लिया होगा कि मैंने आपको जितने भी प्लेयर बेटल बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, उनमें मैक्सिमम जो है प्लेयर बेटल धवन को और मयंक अग्रवाल को ही इंक्लूड कर रहे थे, यानी कि पंजाब के जो दोनों ओपनर है उन्हीं को इंक्लूड कर रहे थे। अच्छे खासे चांस है कि पंजाब के जो ओपनर है वो अच्छी परफॉर्मेंस इस मैच में नहीं करें, और अगर ये अच्छे खासे चांसेस है ना तो फिर इस मैच में ग्रैंड लीग में आपकी काफी अच्छी खासी रैंक आ सकती है। वो कैसे आ सकती है वो मैं आपको तब बताऊंगा जब अपने ग्रैंड लीग का वीडियो इस मैच का लेके आऊंगा। ठीक है, ग्रैंड लीग के बारे में हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपको टीम वगैरह बना के दिखाऊंगा। ठीक है, उसकी चिंता मत करो, फिलहाल यहां पर ध्यान दो। शिखर धवन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 192 मैच आईपीएल में खेल चुके थे, यानी कि काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो पिछले मैच में जब बैटिंग करने का मौका मिला तो 43 रन अपनी टीम के लिए बनाए, जो कि काफी शानदार पारी थी। तो स्मॉल लीग में हम शिखर धवन को रखने वाले हैं, ग्रैंड लीग की कुछ टीम्स में मैं शिखर धवन को ड्रॉप करूंगा, रीजन प्लेयर बैटल और उसके बारे में आगे और बात करेंगे। ठीक है, मयंक अग्रवाल की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो 100 मैच ये भी खेल चुके थे पिछले मैच में अपनी टीम के लिए, 32 रनों की पारी इन्होंने भी खेली थी। उसके बाद दोस्तों भानुका राज्यपक्ष आ जाते हैं, जिन्होंने आईपीएल में पहले कभी खेला नहीं था, लेकिन फिर जैसे ही खेला तो 43 रनों की पारी अपनी टीम के लिए, काफी फास्ट पारी कहूंगा, एक काफी तगड़ी पारी अपनी टीम को खेल के दी, जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो भानुका राज्यपक्ष भी एक पावर हिटर है और काफी अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेल के दे सकते हैं। ठीक है, लिविंगस्टन की अगर मैं बात करूं, ये भी एक पावर हिटर है, 9 मैच आईपीएल में खेल चुके थे, ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं था और पिछले मैच में भी इन्होंने कोई ज्यादा खास स्कोर नहीं किया था, 19 रन। और ठीक है, उसके बाद राजबावा नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे, इन्होंने भी आईपीएल में कभी कुछ खेला नहीं था, पिछले मैच में खेला तो 0 रन पे आउट होकर चले गए थे, मतलब कि डेफिनेटली कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, राजबावा को एक्सपीरियंस नहीं है इतनी अच्छी बॉलिंग अटैक का, तो मेरे को लगता है कि राजबावा को हम अपनी टीम से थोड़ा दूरी रखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो है अपने पास ऑप्शन आ जाता है शाहरुख खान का, जो कि डाउन दी ऑर्डर आके पावर हिटिंग कर सकते हैं टीम के लिए। ठीक है, तो ग्रैंड लीग की एक आधी टीम में शाहरुख खान को ट्राई कर लेना। बाकी दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं शाहरुख खान के सारे स्टेट्स, तो इन्होंने टोटल 11 मैच खेले हैं पंजाब की टीम की तरफ से, पहले उनके 153 रन है, 21 पॉइंट समथिंग का बैटिंग एवरेज, पिछले मैच में भी 24 नॉट आउट की पारी अपनी टीम के लिए खेली थी। ठीक है, ये बात नोटिस करो, नॉट आउट थे 24 पे, इसका मतलब है कि शाहरुख खान डाउन दी ऑर्डर आके अपनी टीम को संभाल सकते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस अपनी टीम को करके दे सकते हैं, इसलिए ग्रैंड लीग के पिक हो जाते हैं। ठीक है, ऑडियंस में बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट देंगे, आईपीएल में पहले कभी खेले नहीं, पिछले मैच में खेले तो मैंने आपको जैसा बताया बॉलिंग तो काफी ज्यादा खराब थी, इकोनॉमी रेट भी आई थिंक 10-12 से ऊपर की थी और विकेट भी एक भी नहीं ले पाए थे, लेकिन बैटिंग में जो है इन्होंने शायद 7 या 8 गेंदों में ही 25 नॉट आउट की पारी खेली, जिसकी वजह से ये मैन ऑफ द मैच उस मैच के बन गए थे। ठीक है, और इन्होंने जिताया था एक तरीके से पंजाब को, तो ये बात ध्यान रखना, ऑडियंस में बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों के साथ आपको पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद हरमनप्रीत अगर की इनकी बात करूं तो 10 मैच 5 विकेट, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, और पिछले मैच में जैसा मैंने आपको वीडियो में ही बोल दिया था जब मैंने पंजाब का वीडियो बनाया था पिछले मैच का कि हरमनप्रीत भाई विकेट लेना मुश्किल रहेगा, नहीं लिया था इन्होंने। ठीक है, बात करूं दोस्तों अर्षदीप सिंह की, तो ये बंदा एक काफी टैलेंटेड बॉलर है, इसकी बात मैंने पिछले वीडियो में भी की थी, इस वीडियो में भी कर रहा हूं। ठीक है, आईपीएल 2021 तक टोटल 23 मैच खेल चुका था, 30 विकेट ले चुका था, इकोनॉमी रेट थोड़ी हाई जरूर थी और इस मैच में भी इकोनॉमी रेट थोड़ी हाई जरूर थी, लेकिन एक विकेट फिर भी इन्होंने निकाल दिया था। ठीक है, रबाड़ा की अगर दोस्तों में बात करूं तो 50 मैच आईपीएल में खेल चुके हैं, 76 विकेट ले चुके हैं और अब इस बार खेलेंगे तो डेफिनेटली अपनी टीम में रहेंगे, क्योंकि ककिसो रबाड़ा इज अ क्वालिटी बॉलर, ये सबको पता है, रसल के सामने ठुक सकते हैं, ये बात मैंने आपको बता दी प्लेयर बैटल बताते टाइम, लेकिन बाकी सब प्लेयर्स को तो ये थोड़ा तंग करेंगे ही करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर मैं चाहर की बात करूं तो 42 मैच 43 विकेट 7.44 की इकोनॉमी रेट और पिछले मैच में भी काफी गजब की बॉलिंग करते हुए एक विकेट अपनी टीम के नाम किया था। तो दोस्तों यार ये तो हो गए हैं सारे प्लेयर के रिकॉर्ड, सारे प्लेयर के एक एक चीज मैंने आपको बता दी है, अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए मैं आपको लेके चलता हूं और फटाफट से डेमो टीम डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के दिखा देता हूं। तो दोस्तों यार मैं आ गया हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और आगे इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको अपनी टीम तो बना के दिखा दूंगा, डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी बना के दिखा दूंगा और कुछ ट्रंप प्लेयर्स के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन आगे इस वीडियो में भी मैं आपको और बता दूंगा। लेकिन एक बात जो दोस्तों मैं आपको वापस एक बार रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि यार आगे इस वीडियो में मैं आपको जो भी टीम बना के दिखाऊंगा, जो भी कॉम्बिनेशन बना के दिखाऊंगा,
वो अपनी फाइनल टीम नहीं होगी और वो अपने फाइनल कॉम्बिनेशन भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे दोस्तों? क्योंकि अभी तक इस मैच का टॉस नहीं हुआ है, और जब तक यह टॉस नहीं होता ना तब तक अपने पास दोनों टीम्स की तरफ से डिफरेंट डिफरेंट अपडेट्स आती रहती हैं। ठीक है, टॉस के बाद अपने पास फाइनल प्लेइंग 11 आती है, फाइनल पिच रिपोर्ट आती है। तो दोस्तों ये जो अपडेट आती है ना, उन्हीं की वजह से अपनी टीम में भी कोई ना कोई चेंजेस हो सकते हैं। और दोस्तों अपनी टीम में यार जो भी चेंजेस होंगे ना, वो सारे करके अपनी जो फाइनल टीम है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल फैंटेसी सपोर्ट पर, जिसकी जो फ्री ज्वाइनिंग लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखी है। दोस्तों आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अपनी जो फाइनल टीम होती है वो आपको यहीं पर प्रोवाइड करवाई जाती है, फाइनल जो अपडेट होती है वो आपको यहीं पर प्रोवाइड करवाई जाती है, और गिव अवेज और ऑफर्स तो यहाँ पर चलते ही रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इन सभी चीज़ों का आपको फायदा उठाना है। अगर आपको जीतना है तो आपको फाइनल टीम फाइनल अपडेट्स की जरूरत पड़ेगी, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाते हैं। तो वीडियो खत्म होते ही सबसे पहला काम आपको यही करना है कि डिस्क्रिप्शन खोलना है या फिर कमेंट बॉक्स खोलना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको आराम से ज्वाइन हो जाना है। बात करते हैं दोस्तों हम अपनी टीम के बारे में, लेकिन यार उससे पहले मैं आपसे एक बात और एक काफी इंपॉर्टेंट बात जरूर बोलना चाहूंगा कि जिस भी भाई ने अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो यार, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। देखो सब्सक्राइब करके कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, कोई आपके पैसे नहीं लग रहे, और आप जब भी चाहो तब अनसब्सक्राइब कर सकते हो, ये आपके हाथ में है, कोई आपको नहीं रोकेगा। लेकिन एक बार सब्सक्राइब जरूर करो, एक बार बेल आइकन जरूर ऑन करो, इससे आपका ही फायदा होगा, आपका ही जो प्रॉफिट है वो दो गुना तीन गुना होगा, इसकी चिंता मत करो, ठीक है। लेकिन आप एक बार करके देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो जिसने भी नहीं किया हो, बेल आइकन ऑन करो जिसने भी नहीं किया हो, ठीक है। बात करते हैं चलो हम अपनी टीम के बारे में। तो विकेट कीपर सेक्शन में दोस्तों अपने पास भानुका राजपक्षा का ऑप्शन है, शेल्डन जैक्सन का ऑप्शन है, और सैम बिलिंग्स का ऑप्शन है। अब और कुछ टाइम बाद अपने पास जॉनी बेस्टो का भी ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन उसके बारे में हम कुछ टाइम बाद ही बात करेंगे, ठीक है। पहले इन तीनों की बात करें तो यार अगर देखो भानुका राजपक्षा का ऑप्शन अपने पास विकेट कीपर सेक्शन में नहीं होता तो फिर बेधड़क में जो है सैम बिलिंग्स को अपनी टीम में उठा लेता, लेकिन अब जब भानुका राजपक्षा का ऑप्शन है तो डेफिनेटली मैं इन्हें ही अपनी टीम में पिक करना चाहूंगा और बैटिंग सेक्शन में बढ़ जाऊंगा, ठीक है। सैम बिलिंग्स का मैंने आपको बता दिया, सैम बिलिंग्स, नीतीश राणा, ये दोनों के दोनों आपको ग्रैंड लीग की टीम में कुछ में पिक कर लेने हैं, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों बैटिंग सेक्शन की, तो अपने पास शिखर धवन का ऑप्शन है, नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर, मयंक अग्रवाल, नीचे से अजिंक्य रहाणे भी हैं, शाहरुख खान भी हैं, और फिर नीचे से और कोई भी नहीं है, ठीक। तो ये कुछ आपके पास गिने चुने चॉइसेज हैं अपनी टीम में पिक करने के लिए बैटिंग सेक्शन से। बैटिंग सेक्शन में दोस्तों शिखर धवन और मयंक अग्रवाल, इन दो बंदों का मैंने आपको बहुत ज़्यादा प्लेयर बैटल बताया है, उसको आप ध्यान में रखना, लेकिन फिर भी स्मॉल लीग की टीम में तो दोनों को ही हम अपनी टीम में पिक करेंगे, क्योंकि दोनों ही क्वालिटी बैट्समैन है, ड्रॉप करना कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो जाएगा और ड्रॉप अपन करेंगे नहीं, ठीक है। स्मॉल लीग की टीम में इस सेफ साइड को अपन पकड़ के चलेंगे। उसके अलावा श्रेयस अय्यर को हम अपनी टीम में पिक करेंगे, और उसके अलावा दोस्तों अगर आपको किसी और को पिक करना हो तो वो आपकी चॉइस है। आपके पास अजिंक्य रहाणे का एक अच्छा चॉइस है, और उसके अलावा नीतीश राणा का एक अच्छा चॉइस है, ठीक है। इन दोनों में से अगर किसी को पिक करना हो तो वो आपकी चॉइस है। फिलहाल के लिए दोस्तों हम बढ़ते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। अब यार ऑलराउंडर सेक्शन में देखो एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा, आंद्रे रसल थोड़े से अनफिट हैं, लेकिन अगर खेलेंगे तो अपनी टीम में रहेंगे, ये मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। एक काम करता हूं मैं उठा ही लेता हूं, जब एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 मैंने डाल ही दिया तो यहां पे भी उठा लेते हैं, ठीक है। वेंकटेश अय्यर की जो रिसेंट परफॉर्मेंस है वो थोड़ी गड़बड़ है, इनकी जो रिसेंट फॉर्म है वो थोड़ी गड़बड़ है, तो अगर आप इन्हें ड्रॉप करके चलना चाहो तो मैं समझ सकता हूं, आपको थोड़ा रिस्की खेलना हो, वेंकटेश अय्यर को ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। लियाम लिविंगस्टन एक पावर हिटर है, लेकिन रिसेंटली जो आईपीएल में इनकी परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा खराब है, इंडियन जो पिचेस हैं वो इनको सूट नहीं करते हैं, ये बात भी ध्यान में रखना, इसीलिए हो सकता है मैं लियाम लिविंगस्टन को भी अपनी टीम में नहीं रखूं, ठीक है। सुनील नारायण एक काफी इफेक्टिव है, लेकिन इनका बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है, हो सकता है बहुत ज्यादा डाउन हाई, हो सकता है नंबर 4 या 5 पर भी बैटिंग करने आ जाए, जिनके चांसेस थोड़े कम है, ठीक है। ओडियन स्मिथ बैटिंग प्लस बॉलिंग के साथ आपको पॉइंट दे सकते हैं और इस मैच के ट्रंप कार्ड हो सकते हैं, इसलिए ओडियन स्मिथ को मैंने अपनी टीम में जरूर पिक कर लिया, और उसके अलावा नीचे से फिर कोई और पिक करने लायक है नहीं, आर बाबा हैं जिनको मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये हो गए हैं, इन तीन में से अगर आप और किसी को भी करना चाहो कर सकते हो, हम इनके बारे में और बात करेंगे। पहले आते हैं हम बोलिंग सेक्शन में, ठीक है। बोलिंग सेक्शन में दोस्तों कगिसो रवाड़ा बिना देखे मैंने उठा लिया, उमेश यादव रिसेंटली काफी गजब परफॉर्मेंस कर रहे हैं उठा लिया, टीम साउदी काफी गजब परफॉर्मेंस कर रहे हैं इनको भी उठा लिया, ठीक है। तो ये तीनों बॉलर तो अपनी टीम में ऑलरेडी आ चुके हैं। अब बात आ जाती है कि यार इनके अलावा हम अपनी टीम में और किसे रख सकते हैं, तो यार इनके अलावा देखो वरुण चक्रवर्ती एक काफी क्लासिक बॉलर है, तो इन्हें आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा राहुल साहर भी एक काफी गजब के स्पिनर है, तो इनको आप ट्राई कर सकते हो, या फिर अर्शदीप सिंह जो कि एक काफी गजब बॉलर है, लेफ्ट आर्म मीडियम, काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं, इनको आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। और नीचे से बरार हैं, लेकिन आई डोंट थिंक आपको ट्राई करना चाहिए स्मॉल की टीम में, ठीक है। तो बॉलिंग सेक्शन में एक तरीके से मैं कहूंगा कि आपके पास ये तीन चॉइस और बच जाती हैं, तीन में से अगर किसी को अपनी टीम में ट्राई करना चाहो वो आपकी चॉइस है। एक बार मैं आपको अपनी टीम प्रीव्यू दिखा देता हूं, तो ये आप स्क्रीन पर देखो, अपन ने टोटल 9 प्लेयर अपनी टीम में ऑलरेडी पिक कर लिए हैं, 2 प्लेयर हमको अभी भी पिक करने बाकी हैं, और वो 2 प्लेयर कौन हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वो 2 प्लेयर, सबसे पहली बात तो इन तीनों में से कोई आ सकता है, ठीक है,
अर्शदीप सिंह, राहुल चाहर और वरुण चक्रवर्ती। उसके अलावा ऑलराउंडर सेक्शन से वेंकटेश अय्यर आ सकते हैं, सुनील नारायण आ सकते हैं। उसके अलावा बैटिंग सेक्शन से आई डोंट थिंक कि मैं नीतीश राणा या फिर अजिंक्य रहाणे को तो पिक करूंगा, और विकेट कीपर सेक्शन से भी किसी को नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये कुछ चॉइसेज हैं अपनी टीम के लिए। पहला कॉम्बिनेशन तो ये हो जाता है, मैं आपको बना के दिखा ही देता हूँ, ये हो जाता है अपना टीम कॉम्बिनेशन नंबर वन। ठीक है, दूसरे कॉम्बिनेशन में आपको क्या करना है, जैसे जस्ट सपोज आपने किसी एक को ड्रॉप कर दिया, लेट्स से कि आपने सुनील नारायण को ड्रॉप कर दिया, या फिर मान लो कि ऑडियन स्मिथ को इस बार ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो ऑडियन स्मिथ को ड्रॉप किया, यहां से अर्शदीप सिंह को उठा लिया क्योंकि ये भी एक फास्ट बॉलर है, ये हो जाता है अपना कॉम्बिनेशन नंबर टू तैयार। अब कोई और चेंज कर लो, जैसे अर्शदीप सिंह को ड्रॉप कर दिया एंड लेट्स से कि आपने राहुल चाहर को उठा लिया लेट्स से, एंड यहां से आपने किसी और को ड्रॉप कर दिया, जैसे वेंकटेश अय्यर को कर दिया, ऑडियन स्मिथ को उठा लिया। ठीक है, ये कुछ आप चेंजेस कर सकते हो और ये हो जाता है अपना तीसरा कॉम्बिनेशन। लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए तो मैं जो है अपना जो पहला कॉम्बिनेशन था उसी को फाइनल कर रहा हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसा कि मैंने आपको बोल दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक डेमो टीम है, ये अपनी फाइनल टीम नहीं है। ठीक है, इनमें कोई ना कोई चेंजेस होंगे, ये मैं अभी डेमो टीम के लिए फाइनल कर रहा हूँ, लेकिन इनमें कोई ना कोई चेंजेस होंगे और वो चेंजेस अपडेट करके आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए जाएंगे, उसकी चिंता मत करना। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन की इन्हीं 11 प्लेयर में। लेकिन उससे पहले देखो अपना वीडियो ऑलमोस्ट हो गया खत्म, अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया हो वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे भाई, सिर्फ एक सेकंड लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपको इस वीडियो का लाइक टारगेट जरूर कंप्लीट करना है। तो जिसने भी नहीं किया वो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। बात करते हैं दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो यार देखो स्मॉल लीग में तो अपने को न चाहते हुए भी इन्हीं को कैप्टन वाइस कैप्टन की टीम में कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, श्रेयस अय्यर को भी आप कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन में कंसीडर, उसके अलावा जो है आप आंद्रे रसल खेलते हैं तो इन्हें कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन में कंसीडर। एक बार मेरे पास कन्फर्म न्यूज़ आने का वेट करना, है ना, मैं कन्फर्म न्यूज़ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूंगा आपके लिए कि आंद्रे रसल इस मैच में खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, खेलेंगे तो कितने ओवर बॉलिंग करेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कंधे में इनके प्रॉब्लम हुई तो हो सकता है कि बॉलिंग जो है चार ओवर ये नहीं करें। ठीक है, तो उस चीज से काफी फर्क पड़ेगा अपनी टीम के ऊपर, उस चीज का वेट करना, वो चीज मैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूंगा। ठीक है, और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए तो फिर और कोई खास ऑप्शन बचता नहीं है, बॉलिंग में से अगर किसी के साथ जाना चाहो तो जा सकते हो। बाकी दोस्तों अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेज में भी कोई अपडेट होता है मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर करूंगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। माई 11 सर्कल की डाउनलोड लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखी है, वहीं पर ये टीम बनाई है, आप भी ट्राई कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।